पबजी मोबाइल के बैन होने से किसको फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो लोगों को इसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी निकल के आई है कि स्मार्टफोन की डिस्प्ले पे हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पबजी मोबाइल के जरिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पबजी मोबाइल के आने से स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर क्या असर पड़ा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि पहले आपने सुना होगा किसी भी स्मार्टफोन में हमें कितने हर्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले आती है ये नहीं पता था, लेकिन पबजी मोबाइल के आने से यहाँ पे हमें 90 हर्ज साथ ही साथ 120 हर्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलने लगी स्मार्टफोन्स की। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इस डिस्प्ले को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है उसे इम्प्रूव किया गया। तो यहाँ पे पबजी मोबाइल के आने से स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो और भी स्मूथ होती चली गई। अब हम आपको बताते हैं कि किन दो चीज़ों पर PUBG बैन का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। सबसे पहला वो जो रीजन है वो है YouTube चैनल जो कि PUBG से रिलेटेड थे, मतलब कि जो भी चैनल थे गेमर्स के जो केवल PUBG को ही लाइव स्ट्रीम करते थे या फिर उनको खेलकर बताते थे कि यहाँ पे ये टास्क हम कैसे पूरा करें, तो उनको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे उनका जो करियर है बिल्कुल ठप हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम दूसरे रीजन की बात करें तो वो हो जाता है स्मार्टफोन कंपनी जो कि केवल गेमिंग स्मार्टफोन बनाती थी जैसे कि आसुस रोज फोन और साथ ही साथ ब्लैक शार्क। तो यहाँ पे इन दो स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में क्योंकि पबजी से रिलेटेड ही ये सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे थे तो और पबजी के नाम से ही लॉन्च हो रहे थे कि इसमें जो है पबजी हम ज़्यादा स्मूथ से खेल सकते हैं। तो यहाँ पे इन फोन की जो सेल है वो बिल्कुल ठप हो जाएगी।